हेलो, मैं चंदन कुमार और इस वीडियो में बताने वाले हैं बायोलॉजी का चैप्टर 3। चैप्टर का नाम है जीवों में विविधता, जिसमें क्वेश्चन है 1 से लेकर 14 तक। ठीक है, पार्ट का नाम है जीवों में विविधता। ठीक है, सो आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला, जीवों को किसने 5 जगत में वर्गीकृत किया। ठीक, क्वेश्चन पूछेगा कि जीवों को किसने 5 जगत में वर्गीकृत किया, तो वर्गीकृत किसने किया, तो इनका नाम है आर विटेकर। ठीक है, नेक्स्ट है, युगलिना को किस जगत में रखा जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, युगलिना को किस जगत में रखा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोटिस्टा। युगलिना को प्रोटिस्टा जगत में रखा जाता है। तीसरा क्वेश्चन है, कवक में अभाव होता है, तो कवक में किसका अभाव होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल। कवक में क्लोरोफिल का अभाव होता है, कवक में किसका अभाव होता है, तो क्लोरोफिल का इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मशरूम है, मशरूम क्या है, तो मशरूम एक कवक है। नेक्स्ट है, ब्रायोफाइटा के अंतर्गत है, तो ब्रायोफाइटा के अंतर्गत कौन से आते हैं, तो इसका आंसर दे देंगे मॉस। ब्रायोफाइटा के अंतर्गत मॉस आते हैं। नेक्स्ट है, संवहनी पौधे का उदाहरण दे, संवहनी पौधे का उदाहरण दे, तो संवहनी पौधे का उदाहरण दे देंगे, तो इसमें आंसर दे देंगे फर्न। फर्न कौन सा पौधा है, तो फर्न एक संवहनी पौधे है। ठीक है, नेक्स्ट है 7th नंबर क्वेश्चन, वैसे पौधे जिनका शरीर जड़ तना एवं पत्तियों में विभेदन नहीं रहता उसे क्या कहते हैं, तो वैसे पौधे जिनका शरीर जड़ तना एवं पत्तियों में विभेदन नहीं रहता उसे थैलस कहते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा थैलस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, बहुकोशिकीय जीव का उदाहरण दे, तो इसमें एक बहुकोशिकीय जीव का उदाहरण देना है, तो अपने मन से कोई भी आंसर दे सकते हैं, तो बहुकोशिकीय जीव का उदाहरण है स्पाइरोगायरा, तो इसका आंसर दे देंगे 8 नंबर का स्पाइरोगायरा। नेक्स्ट है 9 नंबर, किस जीव में स्वपोषी एवं परपोषी दोनों प्रकार के पोषण पाए जाते हैं, किस जीव में स्वपोषी एवं परपोषी दोनों प्रकार के पोषण पाए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जीवाणु, यानी कि जीवाणु में परपोषी एवं स्वपोषी दोनों प्रकार के पोषण पाए जाते हैं। परपोषी मतलब अपने पोषण के लिए दूसरे पर निर्भर होना, और स्वपोषी यानी कि खुद का भोजन खुद से बनाना, जैसे कि सभी हरे पौधे क्या है, स्वपोषी है, लेकिन अमरलता क्या है, वो परपोषी है। ठीक है, अमरलता जो है ये दूसरे वृक्षों की छालों में क्या करते हैं, अपने जड़ को चुभोकर और उसके रस को क्या करते हैं, खींचते हैं और जीवित रहते हैं, और दूसरे पौधे को सुखा देते हैं, तो वो अमरलता परजीवी यानी कि परपोषी है, परजीवी का उदाहरण है, और सभी हरे पौधे क्या है, स्वपोषी है, तो क्या है, स्वपोषी और परपोषी, तो जीवाणु जीवाणु स्वपोषी एवं परपोषी दोनों के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है 10, पुष्पीय पौधे का उदाहरण दें, तो पुष्पीय पौधे का उदाहरण देना है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर एंजियोस्पर्म। पुष्पीय पौधे का उदाहरण क्या हो जाएगा, एंजियोस्पर्म। तो अगर क्वेश्चन पूछेगा कि पुष्पीय पौधे का उदाहरण देते, इसका आंसर दे देंगे, क्या दे देंगे, तो हो जाएगा इसका आंसर एंजियोस्पर्म। नेक्स्ट है, किस विभाग के पौधे को पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है। अब क्वेश्चन है, ठीक है, क्या कह रहा है, क्वेश्चन समझ कि किस विभाग के पौधे के, इसमें तो पौधा का ही नाम आएगा, ठीक है, ये तो निश्चित है, लेकिन उसमें अलग अलग विभाग बांटे हुए, तो किस विभाग के पौधे को पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है। ठीक है, पादप वर्ग का क्या है, उभयचर है, जैसे मेढक क्या है, मेढक एक उभयचर प्राणी है जो जल एवं स्थल दोनों पर रहते हैं। ठीक है, उसी तरह से किस प्रकार के पौधे को पादप वर्ग के उभयचर में रखा जाता है या पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रायोफाइटा। आंसर इसका क्या हो जाएगा कि ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा क्या है, तो ब्रायोफाइटा जो है ये पादप वर्ग का उपचर कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस प्रकार के पौधों की पत्तियों में समांतर शिरा विन्यास रहता है। अब इसमें देना है कि किस प्रकार के, ठीक है, तो एक बीज पत्री होना चाहिए, यहाँ पे मिटा गया एक बीज पत्री। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था 12 नंबर के, किस प्रकार के पौधों की पत्तियों में समानांतर शिरा विन्यास रहता है, तो इसका आंसर क्या जाएगा, एक बीजपत्री पौधे, एक बीजपत्री पौधे की पत्तियों में समांतर शिरा विन्यास रहता है।
ठीक है। क्वेश्चन समझ में आएगा कि अगर क्वेश्चन पूछेगा किस प्रकार के पौधे की पत्तियों में समांतर शिराविन्यास रहता है, तो इसका आंसर दे देंगे एक बीजपत्री पौधे। ठीक है, एक बीजपत्री पौधे की पत्तियों में क्या होता है कि समांतर शिराविन्यास रहता है। नेक्स्ट है नेफ्रिडिया उत्सर्जी अंग है। नेफ्रिडिया जो है किसका उत्सर्जी अंग है, तो संघ एनिलीरा का। आंसर इसका क्या हो जाएगा, संघ एनिलीरा। तो नेफ्रिडिया उत्सर्जी अंग है तो इसका आंसर हो जाएगा संघ एनिलीरा। 14 नंबर क्वेश्चन, कौन शीत रक्तीय प्राणी है, कौन शीत रक्तीय प्राणी है, तो मेढक। ठीक है, मेढक एक उभयचर जीव भी है जो जल एवं मस्थल दोनों जगह पर आसानी से रह सकते हैं, रह सकते नहीं रहते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन 14 नंबर क्या कह रहा है कि शीत रक्तीय प्राणी कौन सा है, तो मेढक जो है वो शीत रक्तीय प्राणी है। सो इस तरह से इस वीडियो में टोटल 1 से लेकर 14 क्वेश्चन था। ठीक है, सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट अगले वीडियो में अगले टॉपिक अगले लेसन के साथ। तब तक वीडियो में बने रहें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें।